हेलो दोस्तों, आज हम केपैक्स मूवी की कहानी देखने वाले हैं। मूवी में प्रोट नाम का एक आदमी खुद को एलियन समझ रहा था और लोग उसे पागल समझ के मेंटल हॉस्पिटल भेज देते हैं। अब हॉस्पिटल के डॉक्टर उसे कैसे ठीक करेंगे या फिर प्रोट उनको कैसे साबित करेगा कि वो असल में एक एलियन है, ऐसी ही कुछ टेढ़ी मेढ़ी इस मूवी की कहानी है। ये मूवी केपैक्स नाम के ही नॉवल से ली गई है जिसे जेन ब्रेवर ने लिखा था। नॉवल के टोटल 3 भाग थे लेकिन ये फिल्म सिर्फ पहले ही पार्ट पे बनी हुई है। मूवी को डायरेक्ट किया है लेन सॉफ्टली और इसके मेन कास्ट है केविन स्पेसी और जेफ ब्रिजेस। मूवी की IMDb रेटिंग 7.4 है। जब मूवी की शुरुआत होती है तब एक स्टेशन पे अजीब तरीके से लाइट फ्लिकर होने लगती है। बहुत बड़ा लाइट का फोकस पड़ता है और अचानक से वहाँ पे एक आदमी काला चश्मा पहन के आता है। वो अपने आसपास काफी क्यूरियोसिटी से देख रहा था। उतने में कुछ चोर एक बूढ़ी औरत का बैग लेके भागते हैं। अब ये आदमी उसकी मदद करने के लिए जाता है लेकिन पुलिस इसी को पकड़ते हैं। इसकी पूछताछ करने लगते हैं कि वो कौन है, टिकट किधर है, कहाँ से आया है, उसका सामान किधर है। इस पर वो आदमी कहता है कि मैं ट्रेन से ट्रैवल नहीं करता, इसीलिए उसके पास टिकट भी नहीं है और उसे लगेज की जरूरत भी नहीं है। अब इसके पास कोई आईडी प्रूफ भी नहीं होता। जब पुलिस उसके सनग्लासेस निकालने के लिए जाते हैं तब वो इनकार करता है और कहता है कि तुम्हारे प्लैनेट पे ना रोशनी बहुत है, इसीलिए वो ग्लासेस नहीं निकालेगा। अब इसके टेढ़े मेढ़े जवाब और बिहेवियर के कारण पुलिस उसे स्टेशन लेके आती है। जाते वक्त भी वो आसपास काफी क्यूरियोसिटी से देख रहा था, मानो पहली बार ये सारी चीजें देख रहा है। पुलिस इंक्वायरी से पता लगता है कि इसका नाम प्रोट है, पर इसके अलावा बाकी कुछ भी जानकारी नहीं मिलती। इनके डेटाबेस में भी इस आदमी की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। पूछताछ करने पे वो कहता है कि वो एक एलियन है जो केपैक्स नाम के प्लैनेट से आया है। अब ये सुनने के बाद पुलिस को तो ये मानसिक रोगी लगता है, इसीलिए पुलिस उसे हॉस्पिटल भेजते हैं। वहाँ इस पे 1 महीना इलाज होता है। शुरुआत में इस पर साधारण ट्रीटमेंट की जाती है जिनका इस पे कोई असर नहीं होता, इसलिए आगे कुछ ज्यादा ही पावरफुल दवाइयों का डोज और ट्रीटमेंट दी जाती है। इतने स्ट्रॉन्ग डोसेज में कोई नॉर्मल इंसान तो कोमा में चला जाता, लेकिन प्रोट पे कुछ भी असर नहीं होता। ना ही ये ठीक होता है ना ही बेहोश। अब 1 महीने में डॉक्टर को कुछ भी समझ नहीं आता तो वो ये केस मैनहट्टन के साइकाइट्रिस्ट हॉस्पिटल में भेजते हैं। यहाँ पे ये केस हैंडल करने के लिए आता है डॉक्टर मार्क पोल। मार्क प्रोट के सारे केसेस डॉक्यूमेंट पढ़ता है और फिर उसे काउंसिलिंग करने के लिए बुलाता है। मार्क प्रोट को उसके बारे में पूछता है कि वो कौन है, कहाँ से आया है। इस पे प्रोट बताता है कि वो केपैक्स नाम के प्लैनेट से आया है जो पृथ्वी से 1000 लाइट ईयर दूर लायरा कॉन्स्टेलेशन में है। केपैक्स साइज में पृथ्वी से काफी बड़ा प्लैनेट है जिसको 2 स्टार है, लेकिन वो 200 साल में एक ही बार में सनराइज होते हैं जिनके कारण उनके प्लैनेट में रोशनी कम है। उनको रोशनी दरअसल उनके 7 मून के कारण मिलती है। आगे मार्क पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आए। सो प्रोट बताता है कि उनके पास लाइट से ट्रैवल करने की टेक्नोलॉजी है, इससे वो कहीं पे भी जा सकते हैं। पर तुम ये बातें नहीं समझोगे, ये सब समझने में और इतना डेवलप होने में तुम्हें 100 करोड़ साल लगेंगे। हमारा प्लैनेट तुमसे कई ज्यादा एडवांस है। आगे मार्क पूछता है कि अगर तुम सच में एलियन हो तो इतना अच्छा इंग्लिश कैसे बोल रहे हो तुम, या फिर तुम हमारे इंसानों की तरह कैसे दिख रहे हो। इस पर प्रोट कहता है कि इंग्लिश भाषा सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, वो जिस दिन यहाँ पे आया था उसी दिन उसने सीख ली थी ये भाषा। और रही बात उसके दिखने की, तो वो पृथ्वी पे है इसीलिए वो इंसानों की तरह दिख रहा है। केपैक्स प्लैनेट पे वो केपैक्स एलियन की तरह दिखता है। वो पृथ्वी पे पहले भी कई बार आया है, लेकिन सबसे पहली बार वो शायद क्यूरियोसिटी के कारण से आया था, नई जगह देखने के लिए, क्योंकि इसके पहले कभी भी वो क्लास BA3 प्लैनेट पे नहीं आया था, यानी अर्ली स्टेज ऑफ इवोल्यूशन प्लैनेट जो कि पृथ्वी है। अब ये सारी बातें सुनकर मार्क तो उस पे यकीन नहीं करता। रोड का बिहेवियर हॉस्पिटल में सारे लोगों से अच्छा था, सभी मरीज, डॉक्टर, स्टाफ से वो फ्रेंडली मैनर में ही बातें करता था। प्रोट हमेशा जो कुछ भी देखता उसे इम्पोर्टेंट बातें हमेशा डायरी में लिख के रखता। जब मार्क उसे पूछता है तब वो बताता है कि उसे ये सब कुछ सबमिट करना है जब वो केपैक्स प्लैनेट पे जाएगा। सभी केपैक्स के लोग गैलेक्सी में अलग अलग लोगों से या एलियन से मिलते हैं तो वो सभी जानकारी नोट करते हैं और आगे सबमिट करते हैं। आगे टेस्टिंग के दौरान मार्क को एक शॉकिंग बात पता चलती है कि प्रोट 300 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ की लाइट भी डिटेक्ट कर सकता है, यानी अल्ट्रावायलेट लाइट जो कोई भी इंसान देख ही नहीं सकता। इस पे प्रोट का एक्सप्लेनेशन ये था कि उसके प्लैनेट पे लाइट बहुत ही कम है, इसीलिए वो इस तरह इवॉल्व हुए हैं कि वो गैलेक्सी के अलग अलग कोई भी हाई डेंसिटी लाइट देख सकते हैं, लेकिन उससे उनको तकलीफ भी हो सकती है, इसीलिए वो हमेशा काला गॉगल्स पहनते हैं। ये सुनने के बाद अगले सेशन में मार्क केबिन की सारी लाइट्स बंद करके डिम लाइट रखता है और प्रोट
को बुलाता है। ऐसी लो लाइट देख के प्रोट भी खुश हो जाता है और यहाँ पे पहली बार वो अपनी ग्लासेस निकालता है। तो यहाँ पे प्रोट मार्क को केपेक्स के बारे में बताने लगता है। केपेक्स में किसी भी तरीके की फैमिली, हस्बैंड, वाइफ, पेरेंट्स, बच्चे कुछ भी नहीं है। इवन यहाँ पे शादी जैसा भी कुछ भी नहीं है। सिर्फ वहाँ पे मेटिंग सीजन होता है जहाँ पे रिप्रोडक्शन होते हैं और जो बच्चे पैदा होते हैं उसे समाज के सभी लोग मिलजुल कर उनकी परवरिश करते हैं। आगे वो बताता है कि केपेक्स में कोई भी गवर्नमेंट, लॉ, ऑर्डर, कानून कुछ भी नहीं है। सभी लोग शांति से मिलजुल कर रहते हैं। फिर मार्क पूछता है कि अगर गवर्नमेंट या लॉ ऑर्डर नहीं है तो अगर कुछ गलत हो जाता है तो तुम क्या करते हो। इस पर प्रॉट कहता है कि यहाँ कुछ भी गलत नहीं होता। सभी को क्या सही और क्या गलत ये पता है, इसीलिए कोई भी अपने लिमिट्स क्रॉस नहीं करता। इवन गैलेक्सी के कई सारे जीवों को पता है ये चीज। सिर्फ तुम इंसानों को छोड़ के, सिर्फ तुम इंसानों के पास ही ऐसे विचार हैं। आंख के बदले आंख, जान के बदले जान। इवन बुद्धा और जीसस के विचार भी अच्छे थे, लेकिन लोग उनको मानने लगे, उनके विचारों को नहीं। इसीलिए यहाँ हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं। यहाँ गैलेक्सी में कहीं पे भी ऐसा नहीं होता। अगले दिन मार्क के घर पे पार्टी थी जहाँ पे उसका एक दोस्त स्टीव आया हुआ था। स्टीव एक एस्ट्रोनॉमर था। बातें करते वक्त मार्क स्टीव को प्रॉट के बारे में सब कुछ बता देता है। यहाँ पे दोस्तों मार्क को किसी भी तरह प्रॉट को कन्विंस करना था कि वो एलियन नहीं है और ना ही कोई केपेक्स प्लैनेट से आया हुआ है, वो सिर्फ उसका एक वहम है। इसीलिए फिर स्टीव से डिस्कस करने के बाद स्टीव उसे कुछ साइंटिफिक और एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड सवाल लिख के देता है प्रॉट को पूछने के लिए। ये सवाल बहुत ही एडवांस होते हैं जो कि एक नॉर्मल इंसान सॉल्व नहीं कर सकता। इससे प्रॉट को भी पता चल जाएगा कि वो कोई एलियन नहीं है, बस साधारण सा इंसान है। अब यहाँ पे अगले दिन मार्क अपने सारे सवाल प्रॉट को दे देता है। तो दूसरी जगह पे कुछ समय के बाद हॉस्पिटल में हार्वी नाम का एक पेशेंट था जो कि काफी समय से प्रॉपर मेडिकेशन नहीं ले रहा था, सिर्फ वो खिड़की से बाहर देख रहा था। सो मार्क वहाँ पे आता और उससे पूछता कि भाई तुम क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि प्रॉट ने उसे 3 काम दिए हैं, अगर ये तीनों काम उसने कंप्लीट कर दिए तो वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। उसका पहला काम है ब्लू बर्ड को ढूंढना, ब्लू बर्ड ऑफ हैप्पीनेस, और यही वो यहाँ पे बैठ के कर रहा है। तभी उसे पता चलता है कि प्रॉट ने हर एक मरीज को कुछ ना कुछ टिप्स दिए हुए हैं। अब ये सारी चीजें सुनने के बाद तो मार्क भड़क जाता है। यानी यहाँ पे प्रॉट खुद तो एक दिमागी मरीज है और दूसरों को ठीक होने की सलाह दे रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रॉट मार्क को बोलता है कि सभी स्पीशीज में ये काबिलियत होती है कि वो खुद को ठीक कर सकते हैं। मैं वही इन लोगों को बता रहा था। फिर गुस्से में मार्क कहता है कि मैं यहाँ का डॉक्टर हूँ और डॉक्टर मरीजों को ठीक करते हैं और तुम भी यहाँ पे एक मरीज हो। इस पे प्रॉट बोलता है कि अगर ऐसा है तो अब तक तुमने इन सारे लोगों को ठीक क्यों नहीं किया हूँ। और फिर प्रॉट वो अपना कागज मार्क को थमा देता है जिसपे मार्क ने पूछे गए सभी सवालों का जवाब प्रॉट ने दे दिया था। अब ये जवाब सुनकर स्टीव और मार्क दोनों भी शॉक हो जाते हैं। ऐसे एडवांस सवालों के जवाब कोई दिमागी मरीज कैसे दे सकता है। फिर स्टीव उसे अपने लैब में लाने के लिए कहता है, उसके मेन साइंटिस्ट और बाकी डॉक्टर से मिलवाने के लिए। लैब में प्रॉट सभी डॉक्टर से मिलता है। वो पहले तो उससे लाइट ट्रैवल पे सवाल करते हैं, पर प्रॉट उनको लाइट ट्रैवल पे कुछ नहीं बताता। वो रिप्लाई देता है कि तुम इंसान अब तक तैयार नहीं हो, अगर अभी मैंने कुछ भी बता दिया तो उस सारी एडवांस जानकारी से तुम्हारा ब्रेन क्रैश होगा या फिर तुम पागल हो सकते हो। फिर डॉक्टर उसे एटलीस्ट लाइट ट्रैवल का डेमो दिखाने के लिए कहते हैं। तो यहाँ पे प्रॉट कुछ सेकंड के लिए एक ही जगह पे खड़ा होता है। पूछने पर बोलता है कि वो लाइट स्पीड से जाके आ भी गया। उसका स्पीड इतना फास्ट था कि इंसान या वो साइंटिस्ट को समझ में ही नहीं आया। फिर वो केपेक्स प्लैनेट के बारे में पूछते हैं। फिर प्रॉट उन्हें केपेक्स स्टार सिस्टम, उसका मैप, लोकेशन, वहां जाने का रास्ता, इक्वेशन बना के दिखाता है। जब डॉक्टर ये सारी चीजें अपने सिस्टम में स्कैन करते हैं तब वो मैप परफेक्ट मैच होता है दूर के एक स्टार सिस्टम से, जो इन लोगों ने पहले स्कैन तो किया था पर वहां पे कुछ ज्यादा डिटेल्स मिली नहीं थी इनको। पर प्रॉट के कोऑर्डिनेशन और इक्वेशन के कारण अब वो प्रॉपर तरीके से उस स्टार सिस्टम को स्कैन कर पाते हैं। ये लोग आगे पूछते हैं कि तुम इतना परफेक्ट कैसे ये सारी डिटेल्स बता रहे हो। तो प्रॉट कहता है कि हमारे प्लैनेट पे ये काफी आम बात है, वहाँ के बच्चों को भी ये सारी डिटेल्स पता है। जैसे यहाँ पे तुम्हें तुम्हारे प्लैनेट के बारे में पता है, वैसे ही हमें हमारे प्लैनेट और सिस्टम के बारे में पता है। ये सारी जानकारी देख डॉक्टर और साइंटिस्ट शॉक और सरप्राइज हो जाते हैं। फिर भी वो कंफ्यूज थे कि सच में ये कोई एलियन है या फिर कोई पागल जिसने इंटरनेट से ये सारी जानकारी पढ़ी है। बैक टू हॉस्पिटल, हार्वी अभी भी ब्लू बर्ड को ढूंढ रहा था और अचानक सामने वाले पेड़ पे एक ब्लू बर्ड आके बैठ जाता है, जिसे देख के वो बहुत ही खुश हो जाता है और सबको दिखाता है। ब्लू बर्ड को देखने के लिए पूरा स्टाफ और सभी पेशेंट बाहर चले जाते हैं। ऐसे भी कुछ पेशेंट थे जो कभी भी बाहर नहीं आए थे, हमेशा अकेले रहते थे। आज वो भी बाहर सबसे मिलजुल कर उस ब्लू बर्ड को देख के खुश हो रहे थे। मार्क को ये सारी चीजें स्ट्रेंज लगती है, पर सारी पेशेंट एंजॉय कर रहे थे इसीलिए वो भी रिलैक्स होता है। दरअसल यहाँ पे दोस्तों मरीज ब्लू बर्ड को देख के खुश नहीं हुए थे, बल्कि उनको एक नई उम्मीद मिली थी कि शायद वो ठीक हो जाएंगे। सब मरीजों को
अब यकीन हुआ था कि प्रॉट एक एलियन है, इसीलिए उससे मदद मांगने लगते हैं। इवन प्रॉट भी उनको प्रॉमिस करता है कि वो जाते वक्त इनमें से किसी एक को केपेक्स प्लैनेट पे लेके जाएगा। अब ये बात जब मार्क को पता लगती है तब वो इसके बारे में प्रॉट को पूछता है, तो इस पर प्रॉट कहता है कि उसे यहाँ पे यानी पृथ्वी पे रहना अच्छा तो लगता है, लेकिन वो हमेशा यहाँ पे नहीं रह सकता, उसका जाने का वक्त आ गया है। वो 27 जुलाई को यहाँ से वापस केपेक्स लौटने वाला है। इस बात से मार्क थोड़ा सा निराश हो जाता है। रात में अचानक से इसे एक बात याद आ जाती है, इसीलिए वो प्रॉट की रिकॉर्डिंग सुनने लग जाता है। इस पे प्रॉट ने बोला था कि वो पृथ्वी पे 4 साल 9 महीने पहले आया था और तभी डेट थी 27 जुलाई, यानी इस 27 जुलाई को 5 साल पूरे होंगे। ये सारी रिकॉर्डिंग बार बार सुनकर मार्क को भी ऐसा लगने लगता है कि शायद 4 साल पहले प्रॉट के साथ कुछ बहुत ही बुरा हुआ था, जिससे वो ऐसा दिमागी बीमार बना है। अब वो हादसा क्या था ये जानना जरूरी है, इसीलिए अगले दिन मार्क प्रॉट को अपने घर पे इनवाइट करता है फैमिली डिनर के लिए, जहाँ पे स्टीव और उसकी फैमिली भी आई हुई थी। घर घूमते वक्त प्रॉट एक लड़के की तस्वीर देखता है, तो रेचल उसे बताती है कि ये मार्क के पहले वाइफ का बेटा है। दोनों के डाइवोर्स के बाद ना ही कभी उसने मार्क को कॉन्टेक्ट किया और ना ही कभी मार्क ने उसे। अब आगे एक इंसिडेंट होता है जहाँ पे प्रॉट मार्क के बेटी के साथ खेल रहा था और तभी अचानक से गार्डन में पानी के फवारे चालू होते हैं। ये पानी के फवारे देखकर प्रॉट इतना ज्यादा पैनिक हो जाता है कि वो मार्क के बेटी को पानी में जाने से चिल्लाने लगता है और वो उसे पकड़ के रखता है, छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होता। जब वो पानी बंद किया जाता है तब जाके वो शांत हो जाता है और आगे ऐसे बिहेव करता है मानो कुछ हुआ ही नहीं है। ये सारी बातें जब मार्क के बॉस को पता चलती है तब उसे लगता है कि प्रॉट भले ही शांत दिखने वाला हो लेकिन वो बहुत ही ज्यादा वॉयलेंट है, कभी भी कुछ भी कर सकता है। इसीलिए वो प्रॉट को बहुत ज्यादा हेवी ट्रीटमेंट के लिए ट्रांसफर करने की ऑर्डर्स देती है, लेकिन मार्क उसे समझाता है कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। प्रॉट ने मेंशन किया था कि वो 4 साल पहले यानी 27 जुलाई को पृथ्वी पे आया था। इवन अभी भी वो 27 जुलाई को वापस केपेक्स जाने वाला है, यानी पास्ट में उसी दिन उसके साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ था जिससे उस पर असर हुआ है। हमें उसे हिप्नोटाइज करके उसके पास्ट के बारे में पता लगाना होगा, बॉस भी मान जाती है। फिर उसके बाद मार्क प्रॉट को देखने के लिए जाता है, तो कुछ मरीज उसे बताते हैं कि दरअसल प्रॉट कुछ दिनों के लिए नॉर्थ पोल पे गया है, वहां से वो अलग अलग देश घूम के आएगा, उसका रिपोर्ट बनाना है उसे और पैक जाने के बाद सबमिट करना है, उसी के लिए गया है। मार्क को तो इस बात पे बिलीव नहीं होता, इसीलिए वो पूरा हॉस्पिटल ढूंढा जाता है लेकिन प्रॉट कहीं पे भी नहीं मिलता। अब यहाँ पे जो मरीज थे उन्हें यही लग रहा था कि प्रॉट लाइट ट्रैवल से गया होगा, इसीलिए किसी ने जाते वक्त उसको नहीं देखा। अब अचानक से 3 दिन बाद मार्क को प्रॉट दिखने लगता है, वो गार्डन पे किसी पेड़ पे बैठ के कुछ डायरी में अपने लिख रहा था। यहाँ पे मार्क उस पे भड़क जाता है कि तुम ऐसे गायब हो गए। फिर प्रॉट उसे बोलता है कि उसके पास टाइम कम है, केपेक्स जाने से पहले उसको कुछ जगह घूमनी थी, उनकी जानकारी इकट्ठा करनी थी, इसीलिए वो बिना बताए गया। फिर मार्क शांत होकर उसे हिप्नोटिज्म प्रोसेस के लिए कन्विंस करता है। अब यहाँ पे हिप्नोटाइज की प्रोसेस शुरू होती है। अब उसमें भी प्रॉट यही बोलता है कि वो केपेक्स प्लैनेट से आया है, उसकी उम्र 170 साल है, लेकिन यहाँ पे उसका एक दोस्त रहता है और उसी को मिलने के लिए वो हमेशा यहाँ पे आता है। यहाँ वो अपने दोस्त का नाम नहीं लेता, लेकिन वो दोस्त जब 17 साल का था तब से वो उसे मिल रहा है, और जब भी वो दोस्त मुसीबत में हो या फिर किसी प्रॉब्लम में पड़ा हो तो ये हमेशा पृथ्वी पे चला आता है उसकी मदद करने के लिए। आगे प्रॉट उस दोस्त की कुछ रीसेंट मेमोरीज बताता है। उस दोस्त की शादी हुई थी और उसको एक बेटी थी। 4 साल पहले 27 जुलाई को उसके दोस्त के साथ बहुत बुरा हादसा हुआ था, इसीलिए प्रॉट पृथ्वी पे आया था उसकी मदद करने के लिए, लेकिन उस हादसे के कारण यहाँ पे खुद प्रॉट बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुआ था। उस हादसे के बाद उसके दोस्त ने पास के ही नदी में डूब कर आत्महत्या करने की कोशिश की थी, पर आगे क्या होता है ये प्रॉट नहीं बताता। इन सारी जानकारी से मार्क को यही लगने लगता है कि प्रॉट को मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। जिस दोस्त के बारे में वो बात कर रहा है दरअसल वो खुद ही है, उसके साथ हादसा हुआ था जिसके कारण उसके दिमाग ने प्रॉट नाम की एक पर्सनालिटी तैयार की है। उसी समय हॉस्पिटल में आर्नी नाम का एक पेशेंट पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। यहाँ पे आर्नी को जर्म्स और अलग अलग बीमारियों से डर लगता था, लेकिन अब पूरी तरीके से वो ठीक हो चुका था। ये सब कुछ प्रॉट के कारण था। प्रॉट ने उसे रियलाइज करवाया था कि ये जर्म्स बीमारियाँ ये सारी चीजें नॉर्मल है, जिंदगी का ही एक पार्ट है, हम सबको कभी ना कभी तो मरना है ही। और अब इसी रियलाइजेशन के कारण आर्नी को इन जर्म्स और बीमारियों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था और इसको ठीक करना ही हार्वी का दूसरा टास्क था। अब उसका आखिरी टास्क बचा था, वो कंप्लीट होने के बाद वो भी ठीक हो जाता।
हॉस्पिटल का सारा स्टाफ आर्नी के इस रिकवरी को देख के शॉक हो जाता है। जो काम उनसे इतने सालों से नहीं हो पाया था वो प्रॉट ने कर दिखाया था। तो यहाँ पे दूसरी जगह पे मार्क अपने रिसर्च में बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व था। वो बहुत छानबीन करता है और उसे पुरानी न्यूज मिलती है कि 27 जुलाई को रॉबर्ट नाम के आदमी ने किसी नदी में सुसाइड करने की कोशिश की थी। वो मरा है कि नहीं अब तक पता नहीं चला। मार्क अगले दिन उसी लोकेशन पे जाता है और लोकल पुलिस से पूछताछ करता है और दोस्तों यहाँ पे प्लॉट खुलना शुरू हो जाता है। पुलिस उसे रॉबर्ट के घर लेके जाते हैं। ये घर एग्जैक्टली वैसा ही था जैसे प्रॉट ने मेंशन किया था। यहाँ पे पुलिस बताती है कि रॉबर्ट पास में ही काम करता था, उसकी वाइफ और एक छोटी बच्ची थी। एक दिन जब वो घर से बाहर था तब एक चोर घर में घुसा था और उसने उसके वाइफ पे जबरदस्ती की और उनके बेटी को भी मार डाला। जब रॉबर्ट वापस घर आया था तब अपने पत्नी और बेटी को इस हालत में देख के वो पूरी तरीके से टूट गया। चोर अभी भी घर में ही था और वो रॉबर्ट पे हमला करता है, सो रॉबर्ट उसे बुरी तरीके से मारता है। रॉबर्ट आगे अपने वाइफ और बेटी की लाश को लेके रोने लगता है और उसके हाथ में ही काफी खून लग जाता है। फिर वो बाहर आके गार्डन के पानी से ही खून को धोने लगता है। तो दोस्तों यहाँ पे मार्क को तो यही लग रहा था कि दरअसल रॉबर्ट और प्रॉट ये एक ही इंसान है। यहाँ पे अपने पत्नी और बेटी को देख के उसके दिमाग पे बहुत बड़ा गहरा असर हुआ था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अभी भी ये सारी चीजें उसे पता चली थी रॉबर्ट के बारे में, लेकिन प्रॉट के बारे में उसे असलियत पता नहीं थी। और यहाँ पे दोस्तों हमें मूवी का प्लॉट रिवील होने लगता है। एक्चुअल में प्रॉट को पता लगता है कि उसके दोस्त खतरे में है, तब वो लाइट स्पीड से पृथ्वी पे आया था। जब उसका दोस्त अपने हाथ धोने के बाद ये हादसा बर्दाश्त नहीं कर पाता तब वो नदी में सुसाइड करने के लिए जाता है, तभी वहाँ पे प्रॉट आया था। और ये सारी चीजें देखने के कारण खुद प्रॉट को भी शॉक लगा था, पर पानी में डूबते हुए अपने दोस्त को बचाने के लिए वो उसके बॉडी में घुस जाता है और उसे पजेस करता है। और तब से प्रॉट रॉबर्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उसी के बॉडी में था। असल में प्रॉट एलियन ही था, लेकिन मार्क को अब यहाँ पे यही लगने लगा था कि दरअसल रॉबर्ट के दिमाग ने एक नई पर्सनालिटी बनाई है प्रॉट नाम की। अब मार्क ये सारी थ्योरी बना लेता है और इसके बाद वो वापस हॉस्पिटल में आता है, जहाँ पे हॉस्पिटल में रात में ही पार्टी चालू थी क्योंकि प्रॉट की ये आखिरी रात थी। इसके बाद क्या होगा ये किसी को पता नहीं था। अगर ये एक्चुअल में मेंटल पेशेंट है तो ये दिन वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और पूरी तरीके से पागल हो जाएगा और खुद की शायद जान भी ले सकता है। या फिर अगर ये सच में एलियन होगा तो यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए वो चला जाएगा। पार्टी में हार्वी प्रॉट से उसके लास्ट टास्क के बारे में पूछता है तो प्रॉट उसे कहता है कि पृथ्वी पे रहना ही उसका लास्ट टास्क है, अब कुछ ही दिनों में वो ठीक हो जाएगा। इस पार्टी के बाद मार्क प्रॉट को अपने केबिन में बुलाता है और उसे वो स्मॉल ड्रिंक ऑफर करता है और बातचीत करता है, क्योंकि उसके जाने के बाद इवन मार्क भी उसे मिस करने वाला था। यहाँ पे प्रॉट को भी सबको छोड़ के जाने के लिए काफी बुरा लग रहा था। जब वो यहाँ पे आया था तब केपैक्स में उसे मिस करने वाला कोई भी नहीं था, लेकिन यहाँ पे उसके काफी सारे दोस्त बने थे। फिर प्रॉट मार्क को एक सलाह देता है कि उसे अपने बेटे से मिलना चाहिए, उसे भी अपने लाइफ में इन्वॉल्व करना चाहिए, और मार्क भी मान जाता है। जाते समय मार्क प्रॉट को उसके यानी रॉबर्ट्स के फोटो दिखाता है और उसे कहता है कि तुम खुद रॉबर्ट ही हो और तुम्हें मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर हुआ है। प्रॉट के बारे में जो बोल रहे हो ना वो तुम्हारी ही एक पर्सनालिटी है। पर यहाँ पे प्रॉट कुछ रिस्पॉन्स नहीं देता, वो बस स्माइल करता है क्योंकि उसे पता था कि इसे कितना भी समझाओ ये यकीन नहीं करेगा कि वो एलियन है। जाते वक्त प्रॉट बस इतना ही कहता है कि सिंस अभी तुम्हें सारी सच्चाई पता चल गई है रॉबर्ट के बारे में तो तुम बस एक ही चीज करना, मेरे जाने के बाद तुम उसका ख्याल रखना। यानी दोस्तों यहाँ पे वो ये बताने की कोशिश कर रहा है सिंस प्रॉट ने रॉबर्ट को पजेस किया था, यानी वो उसके शरीर पे था और रॉबर्ट एक्चुअली में कोमा में था, इसीलिए वो मार्क को कहता है कि सिंस अभी रॉबर्ट के बारे में पता चल गया है तो प्लीज तुम उसका ख्याल रखना मेरे जाने के बाद, क्योंकि वो अभी भी कोमा में है। ये बोल के वो चला जाता है। आगे मार्क थोड़ी देर के लिए सो जाता है। नींद में उसे एक सपना आता है, सपने में वो खुद को केपैक्स प्लैनेट पे पाता है। वैसा ही एनवायरनमेंट था जैसे प्रॉट ने बताया था, पर्पल स्काई, कुछ मून, और अचानक से वो नींद से उठ जाता है। अब वो समय आया था जब प्रॉट यहाँ से निकलने वाला था, इसीलिए वो भागते हुए उस कमरे की ओर जाने लगता है। प्रॉट अपने कमरे में ही था, सभी लोग कैमरे से उसे देख रहे थे। वो टाइम आता है और अचानक से सारे कैमरे बंद हो जाते हैं। प्रॉट की खिड़की से अजीब रोशनी का फोकस आता है। प्रॉट खड़ा हो जाता है और अपने ग्लासेस निकालता है, उस पर वो लाइट का फ्लैश गिरता है और थोड़ी देर के बाद वो लाइट कम हो जाती है। उतने में ही मार्क वहाँ पे भागते हुए आता है और वो देखता है कि प्रॉट बेड के नीचे गिरा हुआ है। वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। मार्क जल्दी ही स्टाफ को बुला के उसे लेके जाते हैं। बाकी के मरीज भी उसे ऐसे हालत में लेके जाते हुए देखते हैं, पर उनको कहीं ना कहीं पता था कि ये प्रॉट नहीं है, ये सिर्फ एक शरीर है, किसी की बॉडी है। प्रॉट यहाँ से निकल गया
गया है। उतने में उनको पता लगता है कि उनमें से ही एक लड़की यहाँ पे नहीं है। उसके बेड पे एक चिट्ठी रखी थी। इससे उनको पता लगता है कि प्रोड जाते वक्त बेस को लेके गया है कैपेक्स प्लैनेट पे। बेस का कोई घर नहीं था, यहाँ पे उसकी कोई भी फैमिली नहीं थी, इसीलिए प्रोड ने उसे चुना था। अब ये सारे लोग अपने अपने काम में, लाइफ में मूव ऑन हो जाते हैं। अब कुछ महीने बीत जाते हैं। मार्क को अब ये पता लगता है कि प्रोड कोई पर्सनालिटी नहीं था, बल्कि वो एक एलियन था। मार्क रॉबर्ट को लेके हॉस्पिटल के रूफ पे आता है। रॉबर्ट अभी भी कैटाटोनिक शॉक में ही था। यहाँ अब डॉक्टर मार्क उसका ख्याल रख रहे थे। वो रॉबर्ट को कुछ नई अपडेट देता है। हॉस्पिटल के मरीज हार्वी और आर्नी दोनों पूरी तरीके से ठीक हुए थे। अब हार्वी एक लाइब्रेरी में जॉब कर रहा था और आर्नी एक काउंसलर का जॉब कर रहा था। कुछ काउंसलिंग और प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद अब रॉबर्ट भी ठीक हो सकता है, ये बोलकर वो उसे लेके जाते हैं। समय निकाल के वो प्रॉड की डायरी और उसकी रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। उसे यकीन था कि आगे कभी ना कभी तो प्रॉड फिर से उनको मिलने के लिए वापस आएगा। और दोस्तों, हम मूवी का आखिरी शॉट देखते हैं जहाँ पे मार्क अपने बेटे को लेने के लिए स्टेशन आया था। वहाँ पे उसका बेटा आता है और दोनों अच्छे से बातें करते हैं एक दूसरे के साथ और वहाँ से वो निकल जाता है। और दोस्तों, मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। आपको अगर ये मूवी अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।